नोएडा में भीड़ ने पीट पीट कर डीएसपी को उतारा मौत के घाट। जामिया मस्जिद में इबादत के लिए सादे कपड़ों में जा रहे थे डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित। शरारती तत्वों ने पीट पीट कर की हत्या। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई नेताओं ने शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए शहीद परिवार के साथ सांत्वना जताई। पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव के कथित कबूलनामे का दूसरा वीडियो किया जारी। 9 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में 114 कट भारत ने वीडियो को बताया हास्यपद। बीजेपी के 14 विस्तारकों का दल सांबा से पहुंचा सुचेतगढ़। पीएचई मंत्री श्यामलाल चौधरी ने किया स्वागत। राज्य में बीजेपी के 3 साल के कामकाज को लोगों में करेंगे प्रचारित। सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ सिख समुदाय। जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को नजरअंदाज करने पर भड़के सिख। कहा पंजाबी भाषा को भी दी जाए महत्व, नहीं तो करेंगे बड़ा आंदोलन। रायपुर सतवारी सड़क की खस्ता हालत पर लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। लोगों ने सरकार पर लगाया इलाके की अनदेखी का आरोप। कहा कई सालों से पक्की सड़क की कर रहे हैं मांग, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। भारतीय सेना के जवानों ने मेंढर में इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। सेना में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए किया कई कार्यक्रमों का आयोजन। मेंढर के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोगों ने भी लिया हिस्सा। जम्मू के गुजर नगर में इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। इफ्तार में आईजी जम्मू एसडी सिंह जामवाल, डीआईजी अशकूर वानी, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित मुस्लिम समुदाय के कई लोग हुए शामिल।